जिनका मन, जिनका विचार, जिनकी दृष्टि, जिनका भाव विद्या अध्ययन में नहीं लगता हो, मन उच्छिष्ट हो जाता हो, खेलने में ज्यादा लगता हो, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हो, या चित्तवृत्ति कैसे भी भगवान में लग नहीं रही हो, या आपका भी मन भगवान की सेवा में नहीं लगता हो, दौड़ दौड़ के वही व्हाट्सएप में चले जाए, मोबाइल में चले जाए, फेसबुक में चले जाए, यूट्यूब पर चले जाए, कहीं थोड़ी सी देर के लिए कथा सुनने का मन करे फिर मन भटक जाए, या पढ़ने का मन करे कि अब मैं पूरी सुपुरण में भी घर में पढ़ूंगी, या मैं भागवत पढ़ूंगी, या मैं रामायण पढ़ूंगी, और दो दिन तो लेके बैठी, तीसरे दिन से मन में फिर वो चिष्टपन आ गया कि कहाँ बैठ गई, मैंने कहाँ नियम ले लिया। तो ये जो चित्तवृत्ति में आ जाता है, मन उचिष्ट हो जाना, चाहे विद्या से हो जाए बच्चों का, चाहे किसी कार्य से हो जाए, मन की उचिष्टता में भी रुद्राक्ष बड़ा काम का है। यहाँ रुद्राक्ष की मूलता है, शहद में नौमुखी रुद्राक्ष को डाल दिया जाता है शहद के अंदर, रात्रि भर उसको शहद में ही रखा दिया जाता है, और उस शहद को जब आप भगवान शंकर का स्नान कराने सुबह के समय पर जल लेकर शिव जी के मंदिर जाती हो, तो सबसे पहले उस रुद्राक्ष को निकालकर शंकर जी की जो जलाधारी है उस पर रख दिया जाता है, और उस शहद को शिव जी पे चढ़ा दिया जाता है। उसी शहद को उठाकर लाया जाता है और बाबा का शुद्ध जल से स्नान कराकर, बाबा का पूजन कर दूध दही जो भी आप समर्पित करना चाहते हो, पंचामृत आदि बाबा को समर्पित कर रुद्राक्ष और शहद को वापिस लाया जाता है। उसी शहद को मात्र 11 दिन तक आप चाटना प्रारंभ कर दीजिए, आपको कोई नहीं कहेगा कि पढ़ने बैठो, आपकी चित्तवृत्ति स्वयं विद्या में लग जाती है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। रुद्राक्ष शंकर का वो अश्रु है, रुद्राक्ष मेरे बाबा का वो अश्रु है, रुद्राक्ष मेरे कालाधिपति का वो सुंदर अश्रु है, जिसके बल पर जीव सब कुछ प्राप्त कर सके।